हेलो फ्रेंड्स, तो देखिए आज हम पढ़ेंगे टॉपिक पोटेंशियल एनर्जी ऑफ ए डाइपोल इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, यानी कि किसी यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में हम किसी इलेक्ट्रिक डाइपोल को रख दें तो उसके अंदर कितनी पोटेंशियल एनर्जी स्टोर होगी। तो सबसे पहले तो हमें ये समझना होगा कि एक डाइपोल की पोटेंशियल एनर्जी का मतलब क्या है। तो देखिए, हमने यहाँ पर डिफाइन किया है, पोटेंशियल एनर्जी ऑफ ए डाइपोल इज़ द एनर्जी पोसेस्ड बाई द डाइपोल बाई वर्च्यू ऑफ इट्स पोजिशन। देखो, ये यहाँ पे हमने दिखाया है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड है, और ये इलेक्ट्रिक फील्ड कैसा है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड यूनिफॉर्म है। अब यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है, इस चीज़ को हमने इससे जस्ट पीछे की जो वीडियो हमने बनाई थी टॉर्क एप्लीकेबल वाली, उसमें हमने बताया था कि यूनिफॉर्म फील्ड क्या होता है। तो उस यूनिफॉर्म फील्ड में जब हम एक इलेक्ट्रिक डाइपोल को रखते हैं तो उसके ऊपर एक टॉर्क अप्लाई होती है, और उस टॉर्क की वैल्यू होती है पी ई साइन थीटा। और ये टॉर्क क्यों और कैसे अप्लाई होती है, ये चीज़ भी हम जो है वो अच्छे से पढ़ चुके हैं। तो ये जो टॉर्क जब एप्लीकेबल होती है इस डाइपोल पे, तो टॉर्क की वजह से ये जो डाइपोल है, ये डाइपोल इस तरीके से जो है वो रोटेट करने लगेगा। ये जो डायरेक्शन है ये कैसी है, क्लॉकवाइज डायरेक्शन है। पॉजिटिव क्यू चार्ज है वो नीचे की ओर आने की कोशिश करेगा, इस डाइपोल पे एक फोर्स क्यू इस साइड लगेगा इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में, और नेगेटिव क्यू पे इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन में जो है वो फोर्स लगेगा। तो एक फोर्स इस डाइपोल को ऐसे खींचने की कोशिश करेगा, एक ऐसे खींचने की कोशिश करेगा, तो ये क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घूम जाएगा, क्योंकि इसके ऊपर एक क्या अप्लाई हो गई, टॉर्क अप्लाई हो गई। अब टॉर्क अप्लाई होने की वजह से कभी इस डाइपोल की पोजिशन ये होगी, कभी डाइपोल की पोजिशन ये होगी, कभी डाइपोल ऐसे होगा, कभी डाइपोल ऐसे होगा। तो इस इलेक्ट्रिक फील्ड में डाइपोल की पोजिशंस बदलती रहती हैं, तो किसी पोजिशन की वजह से इस डाइपोल के अंदर जो एनर्जी होगी वो एनर्जी इसकी पोटेंशियल एनर्जी कहलाएगी। इस चीज़ को हम अच्छे से समझने की कोशिश करते हैं, इसको समझने के लिए हम सहारा लेंगे ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी का। तो देखिए, मान लो ये ग्राउंड है, और इस ग्राउंड के ऊपर ये कोई ऑब्जेक्ट रखी है, और कोई भी ऑब्जेक्ट है उसकी पोटेंशियल एनर्जी ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी होती है एम जी एच। अब ग्राउंड के ऊपर ऑब्जेक्ट है तो एच कितना है, तो एच है जीरो, तो यानी कि पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू व्हाट, जीरो। अब देखिए, यदि मैं इस ऑब्जेक्ट को उठा करके यहाँ तक ले आऊँ, एच हाइट तक, यहाँ तक मैं इसको जो है वो ले आता हूँ, ठीक है, तो इस ऑब्जेक्ट को यहाँ से यहाँ तक लेके आने के लिए मुझे कुछ काम करना पड़ेगा। वो काम मुझे किसके अगेंस्ट करना पड़ा, वो काम मुझे एक फील्ड के अगेंस्ट करना पड़ा, और वो फील्ड कौन सा था, वो फील्ड था ग्रेविटेशनल फील्ड। यानी कि ये अर्थ जो है, ये अर्थ जब मैं इस ऑब्जेक्ट को ऊपर लेके जा रहा होता हूँ तो अर्थ इस ऑब्जेक्ट को हमेशा नीचे खींचने की कोशिश करती है। तो अर्थ इस ऑब्जेक्ट को नीचे खींच रही है और मैं इस ऑब्जेक्ट को ऊपर लेके जा रहा हूँ, तो मैं किस फील्ड के अगेंस्ट, किस फोर्स के अगेंस्ट काम कर रहा हूँ, तो मैंने ग्रेविटेशनल फोर्स के अगेंस्ट काम करते हुए इस ऑब्जेक्ट को यहाँ तक इस ऑब्जेक्ट को मैंने पहुँचा दिया। तो ऐसा करने के लिए मुझे ग्रेविटेशनल फील्ड के अगेंस्ट क्या है, एक काम करना पड़ा, और वही काम यहाँ से यहाँ तक लेके आने में इस ऑब्जेक्ट को मैंने जितना काम किया, वो काम ही इस ऑब्जेक्ट में एक एनर्जी के रूप में स्टोर हो जाएगा, और वो वर्क ही क्या कहलाएगा, पोटेंशियल एनर्जी, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। यानी कि किसी फील्ड के अगेंस्ट जब हम कोई काम करते हैं, किसी ऑब्जेक्ट को मूव करवाने के लिए, तो ऑब्जेक्ट को मूव करवाने में जितना हम वर्क करते हैं वो वर्क ही उस ऑब्जेक्ट के अंदर एक एनर्जी के रूप में स्टोर हो जाता है, और जिसे हम बोलते हैं पोटेंशियल एनर्जी। तो अब देखिए, ये जो डाइपोल है, ये डाइपोल नेचुरल टेंडेंसी इसकी ये क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट करेगा, किसकी वजह से, इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से। इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से इसकी नेचुरल टेंडेंसी है क्लॉकवाइज घूमना, ठीक है। लेकिन अब इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से काम हो रहा है, कुछ इस तरीके से ये घूम रहा है, लेकिन हम इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट काम करें, ये घूम रहा है वह नेचुरली क्लॉकवाइज, हम इसको एंटी क्लॉकवाइज मूव करवाएं, तो हम कह सकते हैं कि हम जो टॉर्क ऑलरेडी एप्लीकेबल हो रही है क्लॉकवाइज, उस टॉर्क के अगेंस्ट काम कर रहे हैं, या फिर इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से जिस प्रकार ये घूमता है
उसके अपोजिट हम घुमा रहे हैं इसको, यानी कि इलेक्ट्रिक फील्ड के एक तरीके से अपोजिट काम कर रहे हैं हम। तो देखिए इस डाइपोल की ये एक ओरिजिनल पोजीशन थी, मान लो ये वाली, ये डाइपोल जो है नेगेटिव क्यू और पॉजिटिव क्यू चार्ज, ये डाइपोल कुछ थीटा एंगल पे था इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ और ये घूमना चाह रहा था कुछ ऐसे क्लॉकवाइज, लेकिन ये घूमना चाहता था ऐसे, लेकिन मैंने इसके ऊपर इसको यहाँ से पकड़ा या किसी भी वे में मैं इसको पकड़ के इस तरीके से ले गया, मैंने एक अपोजिट टॉर्क इस पर अप्लाई कर दी। इस पर नेचुरल टॉर्क कौन सी लगी थी इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से, क्लॉकवाइज। मैंने कौन सी टॉर्क लगा दी, मैंने लगा दी एंटी क्लॉकवाइज टॉर्क। और एंटी क्लॉकवाइज टॉर्क लगाने के लिए मैंने क्या किया, मैंने इलेक्ट्रिक फील्ड के अगेंस्ट एक काम किया, या फिर मैंने नेचुरल टॉर्क जो इस पे लग रही थी उसके अगेंस्ट एक काम किया। तो इसको यहाँ से यहाँ तक इलेक्ट्रिक फील्ड या नेचुरल टॉर्क के अपोजिट काम मुझे जो है वो करना पड़ा, इसको यहाँ से यहाँ तक लेके आने के लिए। तो ऐसा करने में, यहाँ से यहाँ तक लेके आने में मैंने जितना काम किया है नेचुरल टॉर्क के अगेंस्ट, वो काम ही इस डाइपोल के अंदर स्टोर हो जाएगा इन द फॉर्म ऑफ पोटेंशियल एनर्जी। जिस तरीके से इस ऑब्जेक्ट को मैं ग्रेविटेशनल फील्ड के अगेंस्ट यहाँ तक यहाँ लेके आने में, ग्रेविटेशनल फोर्स क्या चाहता है, ऑब्जेक्ट नीचे आए, मैं इसको कहाँ लेके जाता हूँ, ऊपर। उसी तरीके से नेचुरल टॉर्क क्या चाहती है, ये ऐसे घूमे, लेकिन मैं कहाँ पे ले आया, इसके अपोजिट। तो एक फील्ड के अगेंस्ट मैं इसको यहाँ पे लेके गया, या फिर नेचुरल टेंडेंसी थी इसकी मूव करने की, उसके अपोजिट मैंने काम किया। तो ऐसा करने में, यहाँ से यहाँ तक लेके आने में जो मैंने काम किया, वो काम ही क्या हो जाएगा, इसके अंदर स्टोर हो जाएगा इन द फॉर्म ऑफ पोटेंशियल एनर्जी। तो वो डाइपोल की पोटेंशियल एनर्जी कहलाएगी। तो मान लो मैंने बिल्कुल थोड़ा सा डिस्प्लेसमेंट करवाया, इसका एंगुलर डिस्प्लेसमेंट यहां से यहां तक डी थीटा, तो डी थीटा ये थीटा एंगल पे था इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ। अब ये जो है मैंने थोड़ा सा डिस्प्लेसमेंट करवाया इसका डी थीटा, तो थोड़ा सा डिस्प्लेसमेंट करवाने के लिए मुझे काम भी कितना करना पड़ेगा, बिल्कुल थोड़ा सा। तो बिल्कुल थोड़ा सा काम किया मैंने, कितना, डी डब्ल्यू। तो डी डब्ल्यू इज इक्वल टू, अब वर्क डन किसके बराबर होता है, फोर्स इंटू में डिस्प्लेसमेंट। अब फोर्स का काम यहाँ पे कौन करता है, टॉर्क, तो इसीलिए टॉर्क इंटू में डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट कैसा है, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट है, तो डी थीटा। इसको हम, ये मैंने वेक्टर फॉर्म में दिखा दिया, तो ये स्केलर फॉर्म में, डी डब्ल्यू इज इक्वल टू टो डी थीटा। अब मान लो ये तो छोटा सा डिस्प्लेसमेंट था, मैं इस पोजीशन से मान लो मुझे टोटल इसको यहाँ तक लेके आना है, इस डाइपोल को कुछ यहाँ तक लेके आना है। ये पोजीशन यदि थीटा वन हो जाए और इस पोजीशन को मान लो मैं थीटा टू, यानी कि एक इनिशियल पोजीशन से एक फाइनल पोजीशन तक मुझे लेके जाना है इसको। मान लो ये ओरिजिनली ये डाइपोल थीटा वन एंगल पे है स्टार्टिंग में, दिस एंगल इज थीटा वन, और इसको मैं ओरिजिनल पोजीशन यहाँ तक लेके जाता हूँ थीटा टू, तो टोटल वर्क कितना होगा। तो डी डब्ल्यू का इंटीग्रेशन, यानी कि हमें कंप्लीट वर्क चाहिए, हमें क्या चाहिए, कंप्लीट वर्क चाहिए थीटा वन से थीटा टू तक का। तो हमें क्या करना पड़ेगा, थीटा वन से थीटा टू तक इंटीग्रेशन करना पड़ेगा, किसका, टो डी थीटा का। तो हम इंटीग्रेशन कर देंगे, होप सो आपको समझ में आया होगा। थीटा वन से जब हम थीटा टू तक जाते हैं तो डी थीटा ये कुछ यहाँ पे ये थोड़ा सा डिस्प्लेसमेंट था, और यदि थीटा वन से थीटा टू तक ये जो एंगल है ये है थीटा टू, तो थीटा वन से थीटा टू तक डी थीटा का हम इंटीग्रेशन कर दें तो टोटल वर्क आ जाएगा। अब जितना वर्क आएगा वही क्या आ जाएगी, एनर्जी आ जाएगी। तो अब देखिए W इज इक्वल टू इंटीग्रेशन फ्रॉम थीटा वन टू थीटा टू, और टो का वैल्यू कितना होता है, जब एक डाइपोल को हम यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में रखते हैं तो ये हम निकाल चुके हैं, PE साइन थीटा होता है, PE साइन थीटा, टो का वैल्यू रख दिया इंटू में डी थीटा। अब आगे देखिए P डाइपोल का, डाइपोल मोमेंट एक कॉन्स्टेंट क्वांटिटी है तो इसको बाहर ले लिया, इलेक्ट्रिक फील्ड हमने जितना अप्लाई किया है ये यूनिफॉर्म है, कांस्टेंट है, बाहर ले लिया। तो इंटीग्रेशन किसका होगा, इंटीग्रेशन हम करेंगे थीटा वन टू थीटा टू, और किसका इंटीग्रेशन होगा, साइन थीटा डी थीटा के रिस्पेक्ट में हम इसका साइन थीटा का करेंगे। तो अब देखिए साइन का इंटीग्रेशन होता है माइनस कोस, माइनस को हमने बाहर ले लिया, तो माइनस पी ई साइन का इंटीग्रेशन हो गया माइनस कोस, माइनस बाहर आ गया, तो कोस थीटा लिमिट कहाँ से कहाँ तक, थीटा वन टू थीटा टू, तो ये आ गया डब्ल्यू।
ठीक है। अब ये लिमिट जो है ये अपर लिमिट और ये लोअर लिमिट पुट कर देते हैं, तो W जितना ये काम हमने किया इस डाइपोल को थीटा वन से थीटा टू तक लेके आने में, वही पोटेंशियल एनर्जी U होगा और ये हो जाएगा माइनस पी ई कोस थीटा टू अपर लिमिट, अब थीटा की जगह थीटा वन रखिए, माइनस में कोस थीटा वन। ये इक्वेशन आ गई अपनी, ये आ गया टोटल वर्क डन, और ये वर्क हमने जितना किया थीटा वन से थीटा टू तक जाने में, वही वर्क इस डाइपोल के अंदर एक एनर्जी के रूप में स्टोर हो जाएगा, और वो एनर्जी कौन सी है, वो एनर्जी है पोटेंशियल एनर्जी, जिसको हम यू से डिनोट करते हैं। तो ये हमें एक इक्वेशन मिली माइनस पी ई कोस थीटा टू माइनस कोस थीटा वन, ये इक्वेशन वन हम मान लेते हैं। तो ये फाइनल रिजल्ट हमारा ऑलरेडी आ चुका। अब इसके कुछ पर्टिकुलर केस हैं एक दो, वो केस हम देखते हैं। तो देखिए पर्टिकुलर केसेस में क्या है, व्हेन डाइपोल इनिशियली अलाइंड अलोंग ई, ठीक है। तो ये कहता है कि मान लो स्टार्टिंग में जो अपना डाइपोल है, स्टार्टिंग में जो ये डाइपोल है, ये डाइपोल, या फिर देखिए स्टार्टिंग में ये जो डाइपोल है ये कहता है ये अलाइन है कुछ इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में, यानी कि ये डाइपोल जो थीटा वन एंगल है ये यहाँ पे था, और ये कहता है पर्टिकुलर केस में यदि इनिशियली ये यहाँ ना होके इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में है तो थीटा वन की वैल्यू कितनी हो जाएगी। थीटा वन किस किस के बीच में एंगल है, डाइपोल के बीच में या फिर डाइपोल मोमेंट के बीच में और इलेक्ट्रिक फील्ड के बीच का एंगल है, तो ये एंगल कितना हो जाएगा, जीरो। तो थीटा वन की वैल्यू कितनी हो जाएगी, जीरो, ठीक है। और इस थीटा वन से फिर हम क्या करते हैं, व्हेन डाइपोल इनिशियली अलाइंड अलोंग ई, तो थीटा वन की वैल्यू जीरो, एंड वी हैव टू सेट इट एट एंगल थीटा विद ई, और यहाँ से फिर हम इसको किसी भी एंगल पे, यहाँ से जीरो एंगल से फिर हम इसको किसी भी एंगल थीटा पे लेके जाते हैं यहाँ तक, ठीक है। तो थीटा टू हो जाएगा वो एंगल जहाँ भी हम लेके जाएंगे अब इसको, तो थीटा टू की वैल्यू कितनी हो जाएगी, थीटा। तो थीटा टू की वैल्यू हो जाएगी थीटा कोस थीटा, माइनस में थीटा वन की वैल्यू कितनी हो गई, कोस जीरो डिग्री, और माइनस पी ई, ठीक है। तो ये आ जाएगी पोटेंशियल एनर्जी इस केस में, तो ये एनर्जी कितनी हो जाएगी अब, कोस जीरो वन। तो अब देखिए ये हो जाएगी माइनस पी ई कोस थीटा माइनस में कोस जीरो होता है वन, एक केस ये हो गया। दूसरे केस में कहता है व्हेन डाइपोल इनिशियली एट राइट एंगल टू ई, अब दूसरे केस में कहता है ये डाइपोल ये इनिशियली जो है वो इलेक्ट्रिक फील्ड के 90 डिग्री पे ऐसे रखा है, ये पेन एक डाइपोल है मान लीजिए, इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे है तो इलेक्ट्रिक फील्ड से कितना एंगल हो गया, 90 डिग्री। तो थीटा वन की वैल्यू कितनी हो गई, थीटा वन इज द इनिशियल एंगल, देखो हमने यहाँ पे बनाया था थीटा वन कौन सा एंगल था, इनिशियल एंगल, तो थीटा वन की वैल्यू कितनी हो गई अब, 90 डिग्री हो गई। तो इसी फॉर्मूला में इक्वेशन वन में थीटा वन की वैल्यू कितनी रख देंगे हम, 90 डिग्री। और उसके बाद हमने क्या किया, ये यहाँ पे है 90 पे और यहाँ से हम किसी भी एंगल पे इसको रोटेट कर देते हैं, तो वो वैल्यू कौन सी है, वो थीटा टू की वैल्यू है, और थीटा टू की जो वैल्यू है वो वैल्यू मान लीजिए वो थीटा है, थीटा टू की वैल्यू थीटा है, इनिशियली ये थीटा वन है 90 डिग्री, और यहाँ से हमने किसी भी एंगल पे इसको मूव करवाया, मान लो ये इनिशियली यहाँ पे है तो ये एंगल कितना है, ये एंगल है 90 डिग्री, अब ये थीटा वन की वैल्यू है, अब यहाँ से हमने इसको ऐसे यहाँ तक जो है वो मूव करवा दिया, तो ये जो एंगल बनेगा इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ ये कौन सा है, ये थीटा टू है, तो थीटा टू की वैल्यू थीटा हो जाएगी। तो अब उसी रिजल्ट में, इसी रिजल्ट में देखो सेम रिजल्ट है अपना, थीटा टू की जगह थीटा रख देंगे हम और थीटा वन की जगह 90 रख देंगे, तो देखिए क्या मिलेगा हमको, तो माइनस पी ई कोस थीटा टू की जगह थीटा रख दिया और कोस थीटा वन की जगह हमने 90 रख दिया, और कोस 90 होता है कितना, जीरो। तो रिजल्ट क्या आ जाएगा, माइनस पी ई कोस थीटा, तो वर्क डन इज इक्वल टू पोटेंशियल एनर्जी। होप सो आपको समझ में आया होगा, यदि कोई डाउट रहता है तो आप कमेंट सेक्शन में जा करके लिख सकते हैं। थैंक यू।